हेलो बच्चों, आज का हमारा ये क्वेश्चन है जेई के अंदर 2023 में और एनडी के अंदर 2012 में आया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज के चलते हम सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में लीनियर इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी पर 20 से 25 अप्रोक्स हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस टाइप के, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम, ठीक है। इस चैप्टर पर भी हम इस टाइप के कम से कम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है, लेट S1 S2 S3 अप टू डॉट डॉट S10, मतलब आपके पास 10 सीरीज है जिनका सम S1 S2 S3 S10 से डिनोट किया गया है, लिखा गया है। इनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 12 टर्म्स है, सभी के अंदर 12 टर्म्स है और 12 टर्म्स का सम है ये, ठीक है। S1 में भी 12 टर्म्स है, S2 में भी, S3 में भी और S10 तक ऐसे ही है सेम। उसके बाद बोला गया ये कितनी एपी है आपके पास, 10 एपी है जिनकी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है। फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म है 2, थर्ड एपी की फर्स्ट टर्म है 3, ऐसे ही डॉट डॉट अप टू 10 तक है, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यू काउंटिंग चल रही है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि कॉमन डिफरेंस, इन एपी का फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस, थर्ड एपी का कॉमन डिफरेंस अप टू 19 तक ऐसे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, देन समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 10, एस आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें पहले भाई एस आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एस आई का मतलब इन सभी का सम कैलकुलेट करना पड़ेगा S1, S2, S3, S10 तक। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से अगर आप देखें तो जो फर्स्ट टर्म है इन एपी की, उनको कैसे लिखा गया है, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म 1 है, फिर सेकंड की 2 है, थर्ड की 3 है, डॉट डॉट अप टू 10 है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये नेचुरल नंबर चल रहा है। तो हम फर्स्ट टर्म को जर्नली ए आई से डिनोट करके आई लिख सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू 1 रखेंगे ये आ जाएगा, 2 रखेंगे ये आ जाएगा, 3 रखेंगे ये आ जाएगा। तो हमने इसको जर्नल फॉर्म में डिनोट कर लिया है ताकि हम एस आई तक पहुंच सकें, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है इन सभी एपी का क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है ओड नंबर में 1, 3, 5 अप टू डॉट डॉट 19। तो इसको भी हम जर्नली डिनोट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिख देते हैं और आई से डिनोट कर लेते हैं इसको। और ध्यान से अगर हम देखें तो ये ओड नंबर चल रहे हैं और ओड नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा आपको पता है भाई, अगर हम 2 से आई को मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक ईवन नंबर हो गया क्योंकि 2 का मल्टीपल हो गया, ये ईवन नंबर है। और इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो कैसे नंबर आएंगे, ओड नंबर आएंगे। अब आप आई की जगह जैसे ही 1 रखेंगे ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, 2 रखेंगे सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड एपी का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसको हमने जर्नल फॉर्म में ऐसे डिनोट कर दिया है। अब हमें तो एस आई कैलकुलेट करना था, तो एस आई आपका क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे एस आई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी टोटल, सभी के अंदर 12 थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 डिवाइडेड बाई 2 ए, ए आपका कितना होगा, यहाँ पर था 2A, 2A आई प्लस एन माइनस 1, एन आपका कितना हो गया है 12 हो गया है, ठीक है। एन आपका कितना है 12 माइनस 1, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है डी आई। बिल्कुल सम का हमने एपी के सम का रिजल्ट यूज किया है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये रिजल्ट हमने यूज किया है। बस A और D को हमने क्या लिखा है, ए आई और डी आई लिखा है भाई। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए ये कैंसिल हो रहा है 6 पर, तो ये मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया है और 2AI, AI आपके पास I था तो यहाँ पर AI की वैल्यू मैंने I लिख दी है, AI की, ठीक है। और ये 12 माइनस 1 11 हो जाएगा हमारा, और DI की वैल्यू आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर 2I माइनस 1 है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या होगा हमारा 6 एज इट इज है और ये हो जाएगा आपका 2I प्लस 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22I और माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं तो 6 हमारे पास बाहर है, ये हो जाएगा 22I प्लस 2I 24I, 24I और माइनस क्या हो जाएगा आपका 11। तो ये एस आई की वैल्यू आपके पास आ गई, लेकिन हमें तो ये कैलकुलेट करना था। तो चलिए इसको समीशन को उठा लेते हैं, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to 10 और एस आई हमें कैलकुलेट करना था भाई। एस आई हमारे पास आ चुका है, एस आई कितना आ चुका है आपके पास, एस आई आपके पास आ चुका है 6 इंटू 24 आई
माइनस 11, ठीक है। यहां पर आप समीशन जो है वो आई पर लगाए तो 6 तो आपका कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, और इसके साथ जब हम समीशन यूज करेंगे तो 24 भी आपका कॉन्स्टेंट है, इसको भी हमने बाहर लिख दिया, तो आई इक्वल्स टू 1 to 10 समीशन आई के साथ लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही समीशन 11 के साथ भी लगेगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आई इक्वल टू 1 to 10 है, मतलब 10 टाइम्स आपका जो 11 है वो 10 टाइम्स आएगा, जब आई की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी ये पूरा आएगा 24 माइनस 11, फिर 2 रखेंगे 24 इंटू 2 माइनस 11, मतलब 11 टाइम्स जो है वो आपके पास 1 आएगा, सॉरी 11 जो है वो 10 टाइम्स आएगा। तो 11 को 10 टाइम्स ऐड करने की बजाय हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी तो रिजल्ट सेम ही आएगा 110। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 1 को ऐड करना है आपको, और 1 को कितने टाइम ऐड करना है, 100 टाइम ऐड करना है, तो 1 को 100 टाइम ऐड करने की बजाय आप 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। तो सेम ऐसे ही 11 को 10 टाइम्स ऐड करने की बजाय हमने 11 को 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ पर ये इसका समीशन ही सोल्व हो गया, ठीक है। 11 पर जो समीशन लगना था वो ही सोल्व हो गया, 11 जो है वो कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आएगा, तो 11 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम रिजल्ट यूज करेंगे वो सीरीज के रिजल्ट होंगे, तो पहले उन सीरीज के रिजल्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सीरीज के रिजल्ट होते हैं मेनली 3 रिजल्ट हैं हमारे पास, समीशन ऑफ n, तो इसका रिजल्ट होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब n नेचुरल नंबरों का जो सम होगा उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और n नेचुरल नंबरों के स्क्वायर के सम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये n नेचुरल नंबरों के स्क्वायर का सम कैलकुलेट करने का तरीका है, ऐसे इनके क्यूब को कैलकुलेट करने का तरीका होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। नेचुरल फर्स्ट n नेचुरल नंबरों के सम को कैलकुलेट करने का तरीका, उनके स्क्वायर के सम को कैलकुलेट करने का तरीका, क्यूब के सम को कैलकुलेट करने का तरीका। इन रिजल्ट्स को हम सीरीज के जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी सिक्वेंस पढ़ रहे हैं हम, सिक्वेंस में भी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, एपी पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 6 आपका एचडीज है भाई, और ये 24 एचडीज है, और यहाँ पर जो रिजल्ट लगेगा ना वो ये वाला रिजल्ट लगेगा, यहाँ पर बस आई लिखा हुआ है, वैसे हमारा एन होता है, एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है 10 है, तो इसका मतलब एन की जगह हमें क्या लिखना है 10 लिखना है, तो चलिए लिख देते हैं हम एन की जगह 10 लिख देते हैं इस वाले रिजल्ट में, ठीक है। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और माइनस 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा आपके पास। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6, ये आपका 24 हो गया, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 माइनस 110 हो गया है भाई, ठीक है। तो यहाँ से 6 आ जाएगा आपको, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 को 55 से, तो 24 को 55 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा कितना हो जाएगा, 5 4 20 02 कैरी, 5 2 10 और 2 12, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 120, और फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से 120 आ जाएगा, इनको ऐड करते हैं तो 0 2 3 1, यानी कि 1320 आ गया हमारे पास, 1320 और माइनस 110, तो भाई इनको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास 1320 में से 110 को आपको माइनस करना है, तो यहाँ से 0 1 2 1 1210 आ जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा 1210, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 12 1 7 7260 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो 7260 यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।